बेगूसराय में अपराधी इतने बेवकूफ हो गए हैं कि हथियार का प्रदर्शन कर वीडियो बनाकर खुद फेसबुक पर वायरल कर रहे हैं और पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। दरअसल बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों के द्वारा हथियारों का प्रदर्शन करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर खुद से डालकर पुलिस को खुली चुनौती भी दी जा रही है। वायरल वीडियो बेगूसराय जिले के छौराही थाना क्षेत्र के सोनबरसा गाँव का है, जहाँ मनीष जी यादव जी के नाम के फेसबुक आईडी से एक वीडियो पोस्ट किए गए हैं, जिसमें दो युवक हथियार के जखीरे का प्रदर्शन कर रहे हैं। हथियार के इस प्रदर्शन का वीडियो वायरल हो रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि दो युवक बिछावन पर बैठे हुए हैं और दो राइफल को हाथों में लेकर उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि दो राइफल बिछावन पर रखा हुआ है। इसके साथ ही एक देशी पिस्तौल बिछावन पर रखा हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद वायरल वीडियो पर एसपी योगेंद्र कुमार ने संज्ञान लेते हुए मामले पर कार्रवाई करने का आदेश छौराही थाना पुलिस को दिया है। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस विभाग के सोशल मीडिया टीम को एक वीडियो प्राप्त हुआ है, जो छौराही थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव का बताया जा रहा है। छौराही थाना पुलिस को वीडियो में दिख रहे दोनों युवकों को हथियार के साथ गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया है। बेगूसराय पुलिस लगातार इस तरह के वायरल वीडियो पर कार्रवाई कर रही है और कई लोगों को गिरफ्तार कर हथियार भी बरामद किया गया है। इस मामले में भी पुलिस जल्द ही पूरे वीडियो की जाँच कर आरोपी को गिरफ्तार करेगी। एक वीडियो हम लोग को मिला है सोशल मीडिया के माध्यम से, छौराही थाने का जो सोनबरसा गांव है वहां का दो व्यक्ति बताए जा रहे हैं हथियार लेके उसको दिख रहे हैं। तो इस वीडियो के वेरिफिकेशन के लिए, इन दोनों की पहचान कराने के लिए मैंने एसएचओ को निर्देश दिया है और ये भी आदेश दिया है कि जल्द इनके घरों पर छापेमारी करके इनकी गिरफ्तारी की जाए, हथियार बरामद किया जाए। तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी इन सबकी गिरफ्तारी होगी। पहले भी हम लोग को इस प्रकार के कई वीडियो मिले हैं, तो एक एंटी क्राइम हेल्पलाइन नंबर मैंने जारी किया था, उस पर कई सूचनाएँ मिली थी और उसमें कई लोगों पर हमने उनको गिरफ्तार किया, एम्स एक्ट का केस किया है और उनके हथियार भी जब्त किए हैं। इन सबकी भी गिरफ्तारी बहुत जल्दी हो जाएगी।